यो सब देवाणसी ने नहीं करया तो और किसकी हिम्मत हो गई मां कुसुम सुंदरी के साथ यो सब करने की। माता सुंदरी नहीं आई अब तक? शायद उनकी तबीयत कुछ ठीक ना होगी इसलिए। तो आज देवान सिंह बुला दो, हम उनके दर्शन कर लेते हैं। कल समाधि लेने के बाद धरती से बाहर निकली थी वो। ओ भाई के थारा कहने का मतलब के है? मतलब तो यो कहना चाहता है कि इब देवान से माता कुसुम सुंदरी के बराबर करेगी के? देखो जी, मैंने यो सब माता कुसुम सुंदरी का निराधार करने नहीं किया, पर उनकी तरह देवान से भी घुंघरू वाली मैया का बराबर आशीर्वाद थे। दोषम दुष्कृतम पापम दौर्जनम अनर्थम महोरात्रम मम भय सर्वत्रम। भाभी माँ, दूसरी बात तो यो है कि यहाँ कौन सा आपका चेट बैठा है जो इतना बड़ा घूंघट निकाल रखा है? मेरा मतलब से भाभी माँ, इतना बड़ा घूंघट क्यों? कसम खाई से मन ने कि किसी ने अपने सकल नहीं दिखाऊंगी। सुन लिया? उठ जाके खड़ी हो जा। ये कौन सा नया तमाशा से? हाँ, पहले समाधि और अब देवांशी को वादा करके आया हूं, समाधि वाली बात पे झगड़ा ना करूंगा तेरे से, वरना तेरी सभा ना लगने देता यहाँ पे। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ, चार दिन बचे हैं, मेरी और देवांशी की शादी को उसे रोकने के लिए अब अगर कोई नाटक किया तो भूल जाऊंगा देवांशी को किया हुआ वादा और थारा ये दरबार जला के राख कर दूंगा। याद रखना, यही कारण से मेरी परेशानी का बरदान और शादी की वजह से जो इस गांव पे संकट आने वाला था वो अभी टलाना है। देवान सिंह ने यो बात सुन के अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन बरदान ने मैया और मैया के इशारे पे कोई विश्वास ही ना सा। अरे पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिये जैसे हो गए, एक का विश्वास दूसरे का भी विश्वास बनना पड़े। लेकिन ना, यहाँ विश्वास तो दूर की बात है, बरदान तो विश्वास की कोशिश भी ना कर रहा है। क्यों ये वजह से जो आज तक उस संकट की तलवार हम सब के सर पे लटक रही है, यो आग जो अभी अभी बरदान के हाथों से लगी से ना, यो कोई इत्तफाक ना से, मैया का इशारा से कि यो सब ठीक नहीं हो रहा है। मैया भी बरदान और देवांशी की शादी के खिलाफ, लेकिन मैं अपने गांव का कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। उस संकट से बचने के लिए मन ने कुछ सोचना पड़ेगा, हम सब ने कुछ करना पड़ेगा। सोचिए भाभी माँ, हमें से बचाइए माँ सुंदरी। तो
तुम दरबार गए थे? हाँ। परेशान मत हो, अपना वादा ना तोड़ा मैंने। बस उसको आगाह करने गया था कि हमारी शादी में अड़चन डालने की कोशिश ना करे। वरदान, तन्ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। देवांशी, मन्ने के करने और के नहीं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हर बात मन्ने सिखाने की कोशिश ना किया कर, समझ गई? अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है, मैं गलत, तू बिल्कुल सही। अब ये गुस्सा थूक दे और अपने माथे पे जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हो गई है ना, उसे सीधी कर दे। कर लूंगा, पर मन्ने ये उंगली पकड़ के चलाना बंद कर दे। चाबी वाला खिलाना ना हूं तेरा। तब गुस्सा करेगा तो शादी के बाद अपने पति से डरने लग जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जो गुस्सा है ना उसे फेंक दे और सुनार के पास जाना है कि नहीं? चल, देर हो रही है, शादी के सारे गहने ना तेरी पसंद के होंगे। नहीं जाना, मूड ना है मेरा, खराब कर दिया तन्ने। अरे अरे अरे, अरे ऐसे कैसे मूड ना, तेरे होने वाली पत्नी हूँ, चलना तो पड़ेगा तन्ने। चल, शादी के सारे गहने तेरी पसंद के होंगे। चल रात जो मन्ने देखा, कहीं वो सच तो नहीं था? के सच था भाभी माँ? खिलाफ जा रहा है भाभी माँ, पर उम्मीद से सब कुछ ठीक से ना भाभी माँ? ठीक से यो ना से। खबरदार जो ये बात इस कमरे से बाहर निकली। नहीं जाएगी भाभी माँ, मैं तो यो सच नहीं यू पी लूंगी, पर दूसरी बात तो यो से भाभी माँ की मैं भी के करूं, यो जुबान में हड्डी थोड़ी ना होवे, यहाँ वहाँ कहीं बात फिसल गई तो लेने के देने पड़ जावेंगे। लेने के देने पड़ जावे, ठीक से ये वो तूने लेन देन की बात करी दी सर, तो वो जो हमारे बड़े वाले कंगन से ना, जिस पे कद से तेरी गंदी नजर से तेरे। अरे भाभी माँ, वो सोने के कंगन के लिए तो मैं जिंदगी भर गूंगी बन के रहने के लिए तैयार हूँ। आप मानो भाभी माँ, आप मानो, आप बस वो कंगन तैयार रखो, मैं अभी आती हूँ। अरे कितने जा रही है साहब? हाथों ने कंगन जो पहनना सर। ए, जाते जाते दरवाजा बंद कर दिए। बावड़ी गई। पर्दों में छुप जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। सुनहरी ठोकर देवी ने बंदे का साष्टांग प्रणाम। कहीं है वही तो नहीं? कहीं सच तो रहे।